से पहला बब्बर शेर मिला है यूपी को, लगता है जैसे पहला बब्बर शेर मिला है यूपी को, हिंदू गौरव पर ग्रहण लगा जो जल्दी हटने वाला है। खैर मनाओ, योगी है, योगी है इस प्रदेश में तो बचे हो। जब आफत आएगी तो ये नहीं देखा जाएगा तुम किस पार्टी को हो, तुम्हारा राजीव, राहुल, कमल, रमेश, यही नाम काफी है जिहादियों के लिए, तुम्हें काटने के लिए यही नाम काफी है। उसमें ये मत कहना, अरे भैया भैया हमको मत मारो, अरे हमको मत मारो, हम तो तुम्हारा समर्थन करते रहे थे, हमने तुम्हारे समर्थन में पोस्ट डाली थी, अरे हमने जमातियों के समर्थन पोस्ट डाली थी, अरे मैं वही राहुल हूं, अरे मैं वही हूं, मैं वही रमेश हूं, अरे भैया मैंने आपका समर्थन किया था, आपका आपके थूकने का समर्थन किया था मैंने, आपके पत्थर चलाने का समर्थन किया था, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी आंखें तभी खुलेंगी जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम जागे हैं और जगाते रहेंगे। हिंदू गौरव पर ग्रहण लगा जो जल्दी हटने वाला है, जिहादी कुनबा सदमे में अब शीश पटकने वाला है। और ये लाइन सुग्रीव योगी के व्यक्तित्व को अगर इन दो पंक्तियों में मैंने अच्छे से तलाशा हो, इस समय 2000 से ऊपर लोग मुझे देख रहे हैं, इस कर्म योगी योगी को प्रणाम करता हूं। योगी जी, आपकी प्रशंसा करते करते अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। दो पंक्तियों में योगी का व्यक्तित्व निखारता हूं। हिंदू गौरव पर ग्रहण लगा जो जल्दी हटने वाला है, जेहादी कुनबा सदमे में अब शीश पटकने वाला है, वह राजनीति के नवयुग में बजरंगी का अवतारी है, वह राजनीति के नवयुग में, वह राजनीति के नवयुग में बजरंगी का अवतारी है। थोड़ा सा बाल ठाकरे है, थोड़ा सा अटल बिहारी है, थोड़ा सा बाल ठाकरे है, थोड़ा सा अटल बिहारी है। दिवाली फिर से चमकी है, होली फिर से मुस्काई है, शिवरात्रि लगी महकी महकी, हर उत्सव में तरुणाई है। यह कवि गौरव चौहान कहे ये स्वाभिमान की बेला है, यह कवि गौरव चौहान कहे ये स्वाभिमान की बेला। शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है शस्त्रण रक्षते रास्ते, शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी ये छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए। मैं और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। आज में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो, और मैंने नहीं कराया, मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती है, ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभावी है, अवश्य होना चाहिए। बड़ी महारत हासिल है, इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे, उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते? मैंने कहा पूजा का समय आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी, और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। का नाम मिल गया होता, लेकिन इन किसी भी योजना को दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं होने दिया।
मैं इस सभा में 6 बजे आने के लिए तैयार था, लेकिन इतना जाम और जाम का कारण क्या? शाहीन बाग। यानी दिल्ली को जाम करने का कारण क्या? शाहीन बाग। विकास को बाधित करना हो, पाकिस्तान भ्रष्ट तत्वों को देश के अंदर खुलेआम विचरण करने देना हो, तो केजरीवाल जैसे लोग मुबारक हैं। लेकिन अगर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के अभियान को आगे बढ़ाना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यह काम कर सकती है, और मोदी जी ने यही देश के अंदर करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पहले 5 वर्ष में 2 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 15 करोड़ नौजवानों के लिए स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाना और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई। कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं मेट्रो, कहीं एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से वायु सेवा की बेहतर सुविधा, ये सभी कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर हुए। ये दिल्ली के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल हुए, ये जितने कार्य हुए ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। लेकिन मेट्रो के फेज 4 का कार्य दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने रुकवा दिया। दिल्ली मेरठ हरिद्वार 12 लेन का एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल की सुविधा भी केजरीवाल सरकार सबसे बड़ी बाधा बन गई। यानी ये विकास के लिए नहीं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नेतृत्व की ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के विकास में स्वयं बाधक बन गई। केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर उन तत्वों को प्रश्रय देती है, किनको? जो लोग मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में एक एक कदम जो उठाए गए आपने देखा होगा। पहला कदम उठाया देश के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद की सबसे बड़ी जड़ थी कश्मीर में धारा 370, मोदी जी ने 370 समाप्त कर दिया। पीड़ा किसको होती है भाइयों बहनों? देश के अंदर 2 लोगों को, एक राहुल गांधी को, दूसरा अरविंद केजरीवाल को, और तीसरा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को। आपने देखा होगा इन सब की बोली भाषा एक जैसी मिल रही थी, और अब तो मैं चुनाव प्रचार वैसे यहां दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ, दिल्ली के लोग परेशान हैं शाहीन बाग से और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान सरकार के मंत्री अपील कर रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर अच्छा कर रहे हैं, अव्यवस्था फैला करके, अराजकता फैला करके, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता के आवागमन को बाधित कर रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिस कार्य के लिए पाकिस्तान खुश होगा, क्या आपको खुश होना चाहिए? आखिर इन लोगों के पाकिस्तान से संबंध क्या है? ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का विरोध लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के द्वारा
देश के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा दिलाई जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं और वे योजनाएं इन लोगों तक न पहुंचे इसके लिए इनके द्वारा एड़ी चोटी लगा करके देश के अंदर वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी ने दूसरा कदम दूसरी बार आने के बाद किया, सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से जो मुस्लिम बहनें परेशान थी उनके सशक्तिकरण के लिए तीन तलाक की कुप्रथा के सदैव के रोक लगा दिया। तीसरा कदम 500 वर्षों से जिस कार्य को कांग्रेस लटकाना चाहती थी, जिसके लिए जिसके विरोध में सदैव अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार कार्य करती थी, भाइयों बहनों अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो या मोदी जी के आने के कारण संभव हो पाया। ये साइन बात तो एक बहाना है, इनके लिए भाइयों बहनों असली मकसद तो इनका है कि आखिर राम मंदिर की समस्या का समाधान क्यों हो गया, कश्मीर में धारा 370 क्यों समाप्त हो गई, नागरिकता कानून पे हर व्यक्ति जानता है नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं, तो फिर इस पे प्रश्न किस बात के उठ रहे हैं। भाइयों बहनों इनकी दृष्टि देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। मैं भी आ रहा था जब इससे पहले की सभा बदरपुर की सभा करके जब मैं इधर आ रहा था, मैं देख रहा था कालंदी कुंज से जो नहर निकलती है आगरा के लिए, यानी कितना गंदा यमुना का पानी है। केजरीवाल ने यहां के लोगों को वायदे किए थे, कहा था हर विधानसभा में अच्छी पाठशाला दे देंगे, पाठशाला नहीं दे पाए लेकिन मधुशाला की दुकान हर मोहल्ले मोहल्ले खुलवा दी है, नए नए फैसले ले जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार कहती थी हर घर में शुद्ध पेयजल आरओ का पानी पिलाएंगे, आरओ का पानी तो नहीं पिला पाए लेकिन यमुना के जल को इतना जहरीला बना दिए कि स्वयं खांसते खांसते पूरे दिल्ली के लोगों को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिए। भाइयों बहनों ये देश की आस्था और विकास में सबसे बड़ी बाधा कोई है, ये लोग हैं जो लोग एक मंडली के रूप में हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं। यहां के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कावड़ यात्रा में, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या जाती है। याद करिए 2017 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कावड़ यात्रा में सुविधा की बजाय डंडे पड़ते थे, हमारी सरकार आई और मैंने पूछा प्रशासन से, मैंने कहा कावड़ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था है, उन्होंने कहा साहब कोई व्यवस्था नहीं, इनके आने से बढ़िया व्यवस्था फैलेगी। मैंने कहा जो शिव के भक्त हैं कावड़ यात्रा में क्या डीजे बजता है, कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, कहा ये बहुत पहले से प्रतिबंध, कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय बैन हो गया था। मैंने कहा भी देखो ये शिव भक्तों के लिए यात्रा निकल रही है और इस यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और जगह जगह इनके स्वागत की तैयारी करिए और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करिए। तो प्रशासन घबरा रहा था, कह रहा था कि ये काम करेंगे तो दंगा हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई दंगे कैसे नियंत्रित होते हैं वो मैं जानता हूं उसका उपचार, एक भी तिनका नहीं हिलेगा। भाइयों बहनों ये आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ये आस्था का सम्मान कांग्रेस और केजरीवाल नहीं करेंगे। ये लोग तो देश के अंदर तबाही मचाने वाले तत्वों के समर्थन में भाषण कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जो लोग वकालत कर रहे हैं उनके साथ इनके स्वर से स्वर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सहानुभूति दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाएं देने पर नहीं, अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने नहीं,
अच्छी सड़क देने नहीं, लटकते हुए और झूलते हुए तारों से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं, इनका उद्देश्य तो जामिया मिलिया के माध्यम से, जेएनयू के माध्यम से देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों के साथ खड़े होकर के अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करना है। इनके लिए देश नहीं, दल महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो भाइयों बहनों, ये 1731 कॉलोनियों में भी हर एक नागरिक को मकान मिला होता, शुद्ध पेयजल की सुविधा मिली होती, बिजली की उत्तम व्यवस्था मिली होती और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया होता। लेकिन इन सब कार्यों में बाधक है वर्तमान में यहाँ पे आपके केजरीवाल नेतृत्व की आम आदमी पार्टी की सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आपके लोकप्रिय सांसद श्री रमेश विदुड़ी जी लगातार इस क्षेत्र की आवाज को देश की संसद में रखते हैं, लगातार अनथाइज कॉलोनियों के लिए उनके संघर्ष को हर व्यक्ति देखता है, यहाँ की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष आपके सामने हैं। और आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूँ, श्री विक्रम बिदुड़ी ने उनके साथ कदम से कदम मिला करके आंदोलन में सहभागी बन करके इस तुगलकाबाद क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। और आज आवश्यकता है एक जुझारू और युवा प्रत्याशी आपके बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विक्रम बिदुड़ी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सबसे अपील, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए, यही आप सबसे अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय